सोनाली जी कहती है मेरे कान में आवाज आती है, क्या करूं, क्या उससे भी हियरिंग लॉस हो सकता है? और सोनाली कान जी में इसका आवाज कोविड के बाद में बहुत ज्यादा लोगों को दिखाई दे रही है। जी, टिनिटस से हियरिंग लॉस नहीं होता, ये इसका उल्टा है सोनाली जी। हियरिंग लॉस जिन लोगों को होता है उन लोगों को जनरली टिनिटस होता है। वो ऐसा सोच लीजिए कि ट्रैफिक जब जा रहा है मेन रोड पे, तो टिनिटस को आप सोच लीजिए एक साइकिलिस्ट है जो साइड में से जा रहा था, एबनॉर्मल सिग्नल है उसका, आपको पता ही नहीं लगा जब ट्रैफिक चल रहा था, पर जैसे ही ट्रैफिक बंद होता है दैट एबनॉर्मल जो साइकिलिस्ट है वो रैंडमली मेन रोड पे चलने लगता है, वो एक साउंड एबनॉर्मल सिग्नल है, वो टिनिटस के फॉर्म में हमें सुनाई देता है। तो वो हियरिंग लॉस वालों को ज़्यादा होता है, बिना हियरिंग लॉस के भी होता है, देयर आर मेनी मेनी रीजंस फॉर दैट। एंड हाँ, यह बात सही है कि आजकल कोविड के बाद, ये थोड़ा वायरल इन्फेक्शन के बाद कुछ लोगों को टिनिटस होने लगा है, और इट ओवर द पीरियड टाइम इट स्टार्ट डिसअपियरिंग ऑल्सो। तो टिनाइटिस के लिए हम क्या दें, क्या कोई? यस, हाँ जी, टिनिटस बहुत जटिल समस्या है वैसे, हियरिंग लॉस से भी ज़्यादा जटिल। अगर हियरिंग लॉस है तो जब आप हियरिंग लॉस ठीक करेंगे, आप हियरिंग एड लगाएंगे या हियरिंग लॉस का जो भी इलाज संभव है वो करेंगे, तो टिनिटस धीरे धीरे चला जाता है। हैविंग सेड दैट, बहुत सिंपल चीज़ों से भी टिनिटस हो जाता है, जो कि जितनी मैंने बताई उनमें भी कई चीज़ों से टिनिटस, अगर आपने कारण हटा दिया तो हो जाता है, पर कुछ टिनिटस बिना कारण के भी होते हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली हमने इग्नोरेंस तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब साउंड आपकी आ रही है कान में, आपको उसको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, आप जितना उसको पे ध्यान देंगे उतना वो लाउड सुनाई देगी, तो एक पैरेलली आपको उसको इग्नोर भी करना सीखना होगा।